45 साल में इतनी बेरोजगारी बढ़ी, उसका फिक्र उनको नहीं है, उसके बारे में नहीं बोलते। बेरोजगारी के बारे में बोलो बोले तो वो बोलते भैंस, दो भैंस में एक भैंस जाएगा। हम बोलते कमर तोड़ महंगाई हो गई कुछ करो, तो वो बोलते हैं कि आपकी जमीन छीन लेंगे। अमीर गरीब की जो बढ़ती खाई है, मैं अभी कहा था तो उसके बारे में मैं बोलो पूछे तो वो बोलते हैं कि कांग्रेस आई तो ये सब लूट लेके जाएंगे। और बीजेपी के भ्रष्टाचार और इसके सबसे उनकी वसूली, उन्होंने इतना पैसा वसूल किया इलेक्शन के नाम पे, इलेक्शन बॉन्ड के नाम से क्या किया, चंदा दो धंधा लो, क्या किया, चंदा दो धंधा लो, तो सबके पास पैसे लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए, जो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा देता है उसके पास ज्यादा चंदा लिए। और ये हमको बोलते हैं कांग्रेस भ्रष्ट है। अरे भाई हम भ्रष्ट है बोल बोल के तो तुम पावर में आए, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे पास जो आदमी रहता है, ये यहाँ पर किसी भी पार्टी का हो मैं आपको नहीं लेना चाहता, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीआरएस के हो, चाहे टीएमसी के हो, किसके भी हो, डीएमके का हो, कोई भी हो, उसको तोड़ तोड़ के लेते हैं और कहते हैं ये कांग्रेस में अपोजिशन पार्टी में सब भ्रष्ट लोग भरे, उनको छोड़ूंगा नहीं। अबे पकड़ लेके तो आप बैठे और छोड़ूंगा नहीं बोलते, उन लोगों को मंडी पे कौन बिठा लिया, हमारे पास चौहान बोल के चीफ मिनिस्टर थे, एक चीफ मिनिस्टर बंबई के, उनको सुबह डराए शाम में वो बीजेपी में ज्वाइन हो गया और बोला हम लोगों को आके, उसने बोला साहब बहुत तंग करे मुझे, यहां तक आ गया मुझे, सता रहे ईडी वाले, सता रहे आई ये अपने इनकम टैक्स वाले, सता रहे ये ईवीसी वाले, तो इसीलिए मुझे जाना पड़ता है। वो गया वहां पर राज्यसभा मेंबर बना। ऐसे बहुत उदाहरण है, मैं समय की कमी होने से मैं ज्यादा बात नहीं करता। हमारे पास जो भ्रष्ट लोग थे, बाबा तुम उनको क्यों लिए, मैं पूछता हूं, तुम्हारे पास आते ही क्लीन हो गए, अच्छे हो गए, हरिश्चंद्र के बेटे हो गए वो, यहां तक कि नहीं मोदी जी ये कहते हैं हमारे पास जो लोग आए, या शाह के परसों इंटरव्यू में हमारे पास जो लोग आए हैं उधर, जो भ्रष्ट है वो है, जो कलंकित है उनको हम एक एक करके देखेंगे, उसके बाद अगर वो कलंकित है सही तो उसको निकाल देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।